आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 हिस्ट्री द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द मालवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सिस्टम। मालवाड़ी सिस्टम कैसे डिफरेंट था दोनों सिस्टम से। तो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वॉज फिक्स और डिसाइडेड एज पर द लैंड होल्डिंग्स। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें रेवेन्यू का फिक्स किया गया था और डिसाइड किया गया था एज पर द लैंड होल्डिंग्स ऑफ पीसेंट्स। और मालवाड़ी सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू है वॉज टू बी पेड बाई विलेज नोन एज महल। इन परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार खुद कलेक्ट करता था रेवेन्यू, बट इन मालवाड़ी सिस्टम द विलेज हेडमैन हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू। और मालवाड़ी सिस्टम के अंदर विलेज का जो हेडमैन है वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप। तो आंसर है स्टूडेंट, हाई यील्डिंग वेराइटीज इन वीट मीज एंड राइस कपल्ड विथ एन इम्प्रूव्ड इरीगेशन फैसिलिटीज लेड टू द सेड स्पेक्टुलर इंक्रीज इन द यील्ड रेट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का जो इस्तेमाल करते हैं HYV बोलते हैं जिसको, वीट में, मेज में, राइस में, तो हम क्या देखते हैं कि उससे प्रोडक्शन फास्ट होने लग जाता है। और उसी के साथ अमंग द मेजर कैश क्रॉप कॉटन शुगर केन एंड जूट कम्बाइन एग्जिबिटेड टू फोल्ड इंक्रीज इन यील्ड रेट्स। और उसके साथ साथ जो कैश क्रॉप्स है कॉटन है, शुगर केन है, जूट है, उन सब के भी इंक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्शन। नाउ व्हाई डिड द ब्रिटिश इन्वेस्ट इन प्लांटेशंस। ब्रिटिशर्स ने क्यों इन्वेस्ट किया था प्लांटेशन के अंदर। तो ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन प्लांटेशंस इन इंडिया बिकॉज देर वॉज स्कोप फॉर मेकिंग हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम सच प्लांटेशन। उनको लग रहा था आगे स्कोप भी था अच्छा पैसा कमाने का। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ हाई डिमांड फॉर द टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर बहुत हाई डिमांड थी टी की, बट टी कुडंट बी ग्रोन इन ब्रिटेन। पर टी ग्रो नहीं हो सकती थी ब्रिटेन के अंदर। हैंस द ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स कुड मेक हाई प्रॉफिट बाय Exploiting the tea from India to British। और वो ऐसा कब कर सकते थे, इंडिया से ब्रिटिशर्स में ले जाने के लिए वो यहीं का जो एरिया है उसको प्लांटेशन एरिया कवर अप करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर बेनिफिट्स टू ब्रिटिश फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट। क्या क्या बेनिफिट्स थे ब्रिटिशर्स को परमानेंट सेटलमेंट से। तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेजर्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था ये। इट वॉज एग्रीड दैट द लैंडलॉर्ड वुड हैव परपेचुअल एंड हेरिडिटरी राइट्स। इसमें कहा गया था कि जो लैंडलॉर्ड्स उनको परपेचुअल और हेरिडिटरी राइट्स मिलेगा लैंड के लिए सो लॉन्ग एज दे हैव टू पे द फिक्स रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो फिक्स कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो द लैंडलॉर्ड वर ऑल्सो गिवन द राइट टू ट्रांसफर देयर लैंड। उनको राइट भी दिया गया था कि वो अपना लैंड ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिगो रिबेलियन ऑफ 1859। शॉर्ट नोट लिखना है इंडिगो रिबेलियन जो हुआ था 1859 के अंदर। तो इंडिगो रिबेलियन जो था जिसको नील विद्रोह कहा गया है took place in Bengal in 1859 से लेकर 60 में हुआ था and was a revolt by farmers against British planters। ये farmers ने किया था British planters के खिलाफ who had forced them to grow indigo, क्योंकि Britishers उनको force करते थे indigo उगाने के लिए। Under terms they were greatly unfavorable to farmers और उनको conditions पसंद नहीं थी जिस तरीके से उनको force किया जाता था। तो indigo was the high in demand worldwide और indigo उस समय बहुत ज़्यादा worldwide all over इसकी demand बहुत high थी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। व्हाई वर रियॉर्ट्स रिलुकेंट टू ग्रो इंडिगो। रियॉर्ट्स क्यों रिलुकेंट थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। तो द रियॉर्ट्स वर रिलुकेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। जो प्राइस उनको मिलता था इंडिगो ग्रो करने के बाद बहुत ही कम मिलता था। द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीसेंट्स प्रिफर्ड टू कल्टिवेट राइस। और उनका ये मानना था जो प्लांटर्स है इंडिगो जहाँ ग्रो करता है वो एक बेस्ट सॉइल पे ग्रो किया जाता है। और पीसेंट्स उस समय क्या उगाते हैं, वो उस समय सीजन जो होता है वो राइस का होता है। तो इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट्स इट एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि इसके रूट्स बड़े होते हैं और वो सॉइल फर्टिलिटी को भी खत्म कर देते हैं। एंड द लैंड वॉज अनफिट फॉर राइस कल्टिवेशन। अगर हम इंडिगो उगा लेंगे तो लैंड हम दोबारा से उसके अंदर राइस कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। क्या इफेक्ट्स थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड द ब्रिटिश लेड टू न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था ब्रिटिशर्स के अंदर में उसने एक नया फॉर्म दिया, प्राइवेट ओनरशिप लेकर आया। दे डोंट बेनिफिट द पीसेंट्री क्लास, सिर्फ पीसेंट्री क्लास में नहीं, इनफैक्ट इट लेड टू देयर इम्प्रोविशमेंट। द ओनरशिप ऑफ लैंड बिकम अनयूनिक। दिस सिस्टम गेव राइज टू लैंडलॉर्डिज्म। इस सिस्टम ने लैंडलॉर्डिज्म को बढ़ावा दिया। दैट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्पेशली पीजेंट्री।
इसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन के ऊपर, स्पेशली पीजेंट्री को लेकर, वो सॉल्व किया। सो ओवरऑल स्टूडेंट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।